आ गया रे कटिंग वाला, कटिंग वाला आ गया। पहली ब्यात वाली नई भैंसों की मांग अत्यधिक बनी रहती है। यहाँ देखिए आप लोग के सामने एक और हम नई भैंस को दिखा रहे हैं। कितना दांत है भैया? 6 दांत, दूसरे ब्यात में है ये। इस तरह की भैंसों की मांग अत्यधिक बनी रहती है। ये नई भैंस है, दूसरे ब्यात, तीसरी ब्यात, ये सब अभी नई भैंस होती है। बच्चा बढ़िया है, थोड़ा आगे ले चलिए, तो लंबा ले चलिए। बच्चा इसके पास पड़िया बताई जा रही है। कितना दिन की बच्चा है? 5 से 6 रोज का बच्चा पड़िया। दूध कितना होगा भैया? दूध कितना हो जाएगा इसका? दूध 13 लीटर बता रहे हैं। और क्या दाम मांग रहे हैं भैया? कितना भैया दाम? 1.65 भैया, इसका दाम काफी मनमाना मांग रहे हैं। 1.65 कहाँ तक होगी? कुछ कम हो जाएगा। कितना कुछ? कुछ तो बहुत होता है कम। 5-6 हजार बस। अरे हरियाणा से पड़ी आई है। हरियाणा से आई है। रिजर्व गाड़ी का तो बहुत शौकीन आदमी। शौकीन आदमी भैया कुछ दाम ज्यादा ही बोल रहे हैं इसका। जब भी ये भैंस इस मेला मंडी में बिकेगी तो हमें लग रहा है कि 80-85 के करीब बिक सकती है। बच्चा इसके पास पड़ गया है। दूध कितना बोल रहे हैं भैया? दूध 13 लीटर बोल रहे हैं। 10-11 लीटर दूध के लिए ये भैंस सबसे सही। एक आध और भैंस को दिखाइए, उसको दिखा दीजिए, इसको भी दिखाइए, इसको। इनके यहाँ और भैंस हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं कि आप दिखाइए। जो भी इस मेला मंडी से कीमत बताया जा रहा है वो फिक्स और निर्धारित नहीं है, ये मोटा मोटी कीमत बताया जा रहा है। जब भी आप लोग यहाँ पे आके मोल भाव करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं आप लोग को उचित भाव में भैंसें मिलेगी। इसका बच्चा क्या है? इसका बच्चा पड़िया है। इसका। और कौन सी ब्यात में है? दूसरे ब्यात में, 6 दांत में बताई जा रही है। इसका दूध कितना होगा? इसका दूध 12 लीटर बोल रहे हैं। और क्या दाम इसका मांग रहे हैं? 1.25 भैया, इसका दाम 1.25 बोल रहे हैं। ये भी भैंस हमें लग रहा है कि 90-90 के इर्द गिर्द बिक सकती है। बच्चा पाड़ा है कि पड़िया? पड़िया है, मजे की बात है। एक और भैंस को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ये थोड़ी भैंस नाटे कद में है। इसका बच्चा क्या है भैया? और कौन सी ब्यान में है? इसका दूध कितना होगा? 11 लीटर। कद काठी की ठीक है, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा, मध्यम आकार की भैंस है। का दाम इसका मांग रहे हैं? 1.15 इस मेला मंडी में कुछ समय के बाद भैंसों का कीमत घट जाएगा। सिर्फ आप लोग 20-25 रोज रुकिए, इसके बाद देखिए कैसे दाम घट रहा है। वैसे जब भी आप लोग इस मेला मंडी में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को कीमत जरूर ऊंचा बताया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मोल भाव को देखेंगे आप लोग तब समझ जाएंगे। ये भैंस कितने रुपये में हो जाएगी भैया? एकदम लेने देने वाला दाम, जिसका दाम आप 1.65 बोल रहे थे, कितने में हो जाएगी? 1.52 पे। हेलो,
भाई लोग, इस भैंस का मैं कल ही वीडियो तैयार किया था। ये जो बाबा हैं इन्हीं की भैंस है ना, कहीं ना कहीं ग्राहक की कमी के वजह से भैंस अभी रह गई है बिक्री होने के लिए। बाबा ग्राहक आए थे कि ग्राहक 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 नहीं है, ग्राहक नहीं है, नहीं। इनका कहना है कि ग्राहक नहीं है और हम खुद मंडी में देख रहे हैं आज बिक्री बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। हम बोल रहे हैं कि बिक्री बहुत कमजोर है आज, है ना। इनकी ये भैंस यहाँ पे अभी बिक्री के लिए शेष बची हुई है। बाबा इसका 55,000 रुपये दाम मांग रहे हैं। हमें लग रहा है कि जब भी इसकी बिक्री होगी तो कुछ कम में ही बिकेगी। बगैर बिके अभी ये भैंस पड़ी हुई है। पिछले हफ्ता के अपेक्षा इस हफ्ता इस मेला मंडी में खूब सारी भैंसें बिकने के लिए आई हैं। हम इस मेला मंडी से कुछ अच्छी भैंसों को दिखाने में लगे हुए हैं। इस मेला मंडी से हम एक ये भैंस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये भैंस इस माहौल में है, देखिए इधर भी भैंसे हैं और इधर भी भैंसे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह न किसी तरह इस भैंस को, जिनकी भैंस है वो दिखाने में लगे हैं। आराम से घुमा लाइए चचा। बच्चा क्या है इसके पास, बच्चा क्या है? पाड़ी है। ये कौन से बयान में है आपकी भैंस? दूध कितना हो जाएगा इस भैंस का? 14 किलो दूध बता रहे हैं। थनों की अच्छी आकार है, लंबाई भी है एक समान और दूरी भी है एक समान। लंबी भैंस है और साथ में ऊंची भी है। थोड़ा सा बांध दीजिए यहीं पे। धूप काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं जो किसान है, जो व्यापारी है, धूप से परहेज कर रहे हैं। का दाम मांग रहे हैं चाचा आप? इसका दाम 1.65। 1.65। बोल रहे हैं। बाबा एक बात बताइए, इस भैंस का जो दाम आप बता रहे हैं 1.65, तो क्या 1.65 एकदम फिक्स है कि कुछ कम होगा? कम होगा। कहाँ तक होगा? 1.40। 1.40 फिक्स है। 1,40,000 रुपये में इस भैंस को बता रहे हैं। फिक्स दाम है। बच्चा पारी है? बच्चा पारी। अभी दूसरा बयान है। दूध 11 लीटर हो जाएगा? 14 लीटर। 14 लीटर, हाँ 14 लीटर दूध है। 6 लीटर 7 लीटर टाइम? अरे 7 लीटर टाइम पर बिहार का भैंसी है। बिहार के भैंसी है। दिलदार नगर की इस मेला मंडी में ये सब भी भैंसे नजर आ रही हैं। थोड़ी उम्र में ज्यादा है लेकिन दूध के लिए सबसे सही है। आप इन भैंसों को चाहे घर पे रख लीजिए या फिर डेयरी में, कहीं भी चलेंगी। लगाओ।
भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं, इसी भैंस का सौदे की बात यहाँ पे चल रही थी। काफी रिझक झिझक हुआ है इसके सौदे में। हम इस भैंस के बच्चों को देख रहे हैं। पाड़ा, ये पाड़ा है। आप लोग धैर्य से रहिए, हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि ये भैंस नमस्ते कितने रुपए में हो रही है। ठीक है, सब ठीक है। किस जगह से आए हैं? बनारस से। बनारस लीला है, वीडियो बनाते हैं। बनारस है। हाँ, बनारस से। चलिए पहले इसका सौदे को देखिए आप लोग कि कैसे सौदा हो रहा है। ठीक है ना। अभी अभी बच्चे को छोड़ा गया है ताकि भैंस पहनाव में आए। इसका सौदे के लिए काफी बातें चली है खरीदार और बेचने वाले व्यक्ति के बीच। काफी बड़ी और ऊंची भैंस है। खरीदी करने वाले व्यक्ति इसके थन को बारीकी से देखने में लग गए। जब भी किसी भी भैंस की खरीदी करें तो ये जरूर देखें कि उसके थन से कोई छींटा तो नहीं ना आ रहा है। गोल धार आनी चाहिए। खरीदार व्यक्ति कहाँ के हैं? बिहार का सोनपुर, जबलपुर। ये जबलपुर का है, गांव की जबलपुर। आप लोग खरीदी करने में मदद कर रहे हैं? मदद करा रहे हैं। कितने में हो रही है? एक दस। कितना? एक दस। एक दस। ये पक्की खबर आप लोगों को बताई जा रही है। इस भैंस की खरीदारी यहाँ पे एक दस में हो रही है। बच्चा पाड़ा। भाई लोग यहाँ पे जो आप लोग रिझक झिझक देख रहे हैं सिर्फ इस भैंस को लेके हो रहा है। सब कुछ कर लिया गया, धार वगैरह सब देख लिया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं दाम को लेके कहीं ना कहीं अड़चन बनी हुई है। सौदा को जो ये लोग तय किए हैं 1 लाख से ऊपर ही बता रहे थे लेने वाले व्यक्ति, वो लोग दिलाने का काम किए हैं बाहर के एक व्यक्ति के लिए। मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति आया है, उसको जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वही लोग दिला रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि वास्तविक कीमत क्या है इस भैंस का लेने वाला। यहाँ पे 2 लोग के बीच बातें चल अब हम लोग वास्तविक कीमत यहाँ पे जानेंगे कि इस भैंस की खरीदी करने वाले व्यक्ति कितने रुपए में की है। इस भैंस के लिए ये भी व्यक्ति बात किए हैं। कितने में हुई है? 1,05,000। 1,05,000 पूरे पूरे 1,00,000 से ऊपर में ही ये भैंस बिकी है। 1,05,000 में। हम खुद अपने कानों से सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यापारी आए हैं वो कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि बाजार सही नहीं है। Oh, good enough.
इस मेला मंडी में जब भी हम आते हैं तो ये चाचा जरूर हमसे मिलते हैं। आजमगढ़ से आते हैं। हाँ। राज बहादुर यादव। कितना भैंस खरीदे हैं आज? हाँ, हर हफ्ता आते ही है। 56,000। अच्छा, आज का बाजार आपको कैसा लगा? डाउन है। नहीं, ऐसी भाई 65,000 की मिलती थी पहले, 56 की मिली, डाउन नहीं है। हाँ हाँ, चाचा बोल रहे हैं कि 56 में खरीदे हैं। दूध निकाल दिया गया है। हाँ। अगर यही दूध इसके थन में भरा रहता तो आप लोग को इसका आकार थन का कुछ अलग दिखता। बच्चा बढ़िया है ना। एक ये भी खरीदे हैं। 55,000। तो बहादुर चाचा एक बात बताइए, यहाँ से जो भी भैंस आप खरीद के ले जाते हैं तो क्या तुरंत बिक जाती है कि समय लगता है? एक दिन दो दिन तीन दिन समय लगता है है ना। कितने वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं? सही बोलिए। अरे, यहाँ तो कम वर्षों से आ रहे हैं, 64 हम पूरी उम्र चली गई। 64 से पूरी उम्र ही चली गई। अच्छा, इसी कारोबार में पूरी उम्र बीत गई। अच्छा जी। कितना वर्ष हो गया आपको इस काम में? इस काम में कम से कम 40 साल। मतलब अपनी जीविका सिर्फ भैंस बेचने का ही काम पे लगाए हैं? नहीं, पहले और काम रेडीमेड लाते थे कलकत्ता से। क्या लाते थे रेडीमेड? रेडीमेड कपड़ा, सेट, कपड़ा, चड्डी, बंडी। जो आपको नजदीकी नहीं जानने वाले होंगे लोग, वो जान गए होंगे कि बहादुर चाचा पहले कपड़ा के भी कारोबार किए हैं, इसके बाद भैंस के कारोबार में आ गए हैं। ऐसा है, उसमें बहुत फायदा था। उसमें फायदा था, कलकत्ता से माल बुक करते थे, सागन छोड़ाते थे, गांव-गांव बेचते। अच्छा जी, गांव में तो फेरी लगा के बेचते थे क्या? दुकान दुकान। अच्छा, दुकान दुकान। अच्छा, उसके बाद सब साले कोई 20,000 कोई 30,000 सब लेके भाग। ओह, यानी नुकसान हो गया, इसके बाद आप भैंस के कारोबार में आ गए। भैंस का कारोबार काफ़ी अच्छा है, कोई भी पशु पालन का जो भी कारोबार है सबसे बढ़िया। आप लोगों का ये समझ लीजिए कि एक मुनाफा का साधन है ना। इस मेला मंडी में एक ये भारी भरकम भैंस बिकने के लिए आई है। का दाम मांग रहे हैं भैया इसका? 1,90। बच्चा क्या है? बच्चा पड़िया है। ये भैंस जब भी दूध देगी टाइम का तो 7 लीटर से कम नहीं दूध देगी। ऊंची और लंबी है भैया, 1,90 बोल रहे हैं, लेकिन इसकी बिक्री 1.5 के आसपास हो सकती है। बच्चा पड़िया है। कमिश्नर, कमिश्नर, दूध कितना हो जाएगा टाइम भैया? 20 लीटर। ये तो भैया बोल रहे हैं कि दूध 20 लीटर। इसमें कोई नहीं। कम नहीं होगा ना भैया? अरे कम का है नहीं, क्या कम होगा? एक असली दाम बताइए तो भैया, कितने में होगी? कितना में लेंगे आप बताइए? आप बोलिए, हम तो कहेंगे कि आप छोड़िए 1-10 पे, 20 पे, फिर कितने में? हाँ, काहे नहीं बोलेगा। कितना भैया दाम? कितना लास्ट? 1.65। जिनकी ये भैंस है वो इसका दाम बोले 1.65, 1.5 के अंदर बिकेगी। अब जितने में बिक जाए, 1, 30, 35, 40 इस तरह से बिक सकती है। आज इस मेला मंडी में ग्राहकों की भी कमी है, कुछ भी हो सकता है, या तो फिर बगैर बिके ही ये भैंस वापिस जा सकती है।
वीडियो रिकॉर्डिंग कर, आ गया रिकॉर्डिंग वाला। रिकॉर्डिंग वाला आ गया, बंगाल का गाना बनाने आ गया। अभी अभी इसी भैंस की खरीदारी पूरे पूरे 55,000 रुपए में हुई है। एक डेयरी के लिए भैंस जा रही है। श्री राम बाबा के पास आए हैं और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हम देख रहे हैं कि ये भैंस भी आ गई है। कल ये गाभिन थी और आज ये भी आ गई है। कल ही बाबा बता रहे थे कि 2-4 रोज ले जाएगी समय ब्याने में, है ना बाबा? आपकी भैंस भी आ गई है क्या? तो आप तो बोल रहे थे कि 4 दिन समय ले जाएगी। 5 बजे भोर में भी आ गई है। पढ़िया भी आई है। का दाम मांग रहे हैं? वही वाला है बाबा। आज का बाजार बहुत खराब है। बाबा बोल रहे हैं 1-10, बोल रहे हैं कि 90-95 मिलेगा तो दे देना। हाँ भैया, हाँ तुम बिड़ीगो में आ गिला। कहाँ से आइल बानी? बनारस से आइल बानी। ठीक है ना, वॉइस खरीदे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, श्री राम बाबा की ये भैंस भी आ गई है और इसका कीमत कहीं ना कहीं थोड़ा ऊंचा जा रहा है। हमें लग रहा है कि भैंस 80-80 के आसपास बिके या मिले तब जाके उचित।3 दिन का बच्चा बोलो। हाँ भाई लोग, यहाँ पे जो भैंस आप लोग देख रहे हैं, इस भैंस की खरीदी के लिए सुबह से ही बहुत सारे ग्राहक लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसी भैंस को आप लोग को दिखाया था, जिनकी भैंस है वो 1.5 लाख के करीब इसका कीमत मांग रहे हैं। अधिकतर ग्राहक इसका कीमत 90-90 के करीब लगाए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी बिक्री कितने रुपए में होगी। बच्चा पड़िया, इस भैंस में एक लेकिन लग रहा है। इसके जो थन है ये देखिए, फेनुस लगने की वजह से थन खराब हो गया है। दोनों थन, एक उधर वाला भी एक इधर वाला भी। इसी वजह से बहुत सारे ग्राहक इसको देख के छोड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन अपने तरफ से वो लोग कीमत 90 के करीब लगा रहे हैं। इसके आसपास ही बिकेगी, जब भी बिकेगी। तो अब आई थी यार, राम जी बिया के दूध लिए नहीं है। हाँ